मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने थे। अपना दायित्व पहले दी जा चुकी है, उसको अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। आज हमारे लिए एक नया दिन, पॉलिटिकल बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, पूरा काम करेंगे, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबके सहयोग। देखिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन मैं अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप करूँगा। ये जो विभाग मुझे मिला है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, इसमें अपार संभावनाएं हैं। आज का जो युग है, आज देख रहे हैं कि आप सब भी, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बिहार को एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे इन्वेस्टर को यहाँ पर बुलाया जाएगा। हम समझते हैं इसमें अपार संभावनाएँ हैं, जहाँ पर हम जॉब्स भी दे सकते हैं, लोगों की सहूलियत दे सकते हैं। तो अभी तो हमने आज हम आए हैं और अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रावधान है, कितनी बजटरी प्रावधान है। सब बात को करने के बाद हम एक कंक्लूजन पहुँच के फिर आपको बताएंगे कि हमारे विज़न क्या है, हम लोग आगे क्या करेंगे। हमारे सेक्रेटरी महोदय बैठे हुए हैं, इनसे भी वार्ता होगी। तो आज के दिन इतना ही है कि मैं आप सबको के माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सभी लोगों का जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं। बस इतना ही है आज के दिन में। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। बात है पॉलिटिकल बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, और ऐसी आपको सिर्फ एक ही लाइन में कहते हैं, कोई संशय होता तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। बात खत्म, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, तभी तो यहाँ पर हैं। अब कोई नाराजगी नहीं है? अब ये सब बात नाराजगी रहती तो आप नहीं यहाँ रहते हैं, ना हम यहाँ रहते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात हुई, नाराजगी दूर हो गई क्या? अरे मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे। हम निश्चित तौर पर जब हम लोग को एक पद मिला, हमें एक विभाग मिला, तो एक कटसी होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया होते हैं और उनके पास जा करके उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेना है, इसलिए हम गए थे। बाकी और कोई ऐसी बात तो थी नहीं। जो मंत्रालय आपको मिला उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि तो होना ही, हर मंत्रालय का अपना अपना महत्व होता है, हर की खूबसूरती होती है, हर जनहित के लिए काम किया जाता है। कोई मंत्रालय किसी एक व्यक्ति को एक ही मंत्रालय मिलेगा और हर मंत्रालय हर कोई को नहीं मिल सकता, लेकिन जहां आपको जो दायित्व मिला है उसका आप कैसे निर्वहन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति से कोई चीज़ जाना जाता है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो हर मंत्रालय में आप काम कर सकते हैं, हर मंत्रालय में संभावना होती है। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है हमारी, हम पूरा काम करेंगे, पूरी क्षमता के अनुसार करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जो विभाग हमको मिलता रहा है वही हमारे बेटे को ही मिल रहा है, और विभाग क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को? देखिए उनकी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ में आती है, उन्होंने बात कही है कि जो विभाग का दायित्व पहले दी जा चुकी है उसको अगर हम अच्छा से काम किए हैं तो हम दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं। उनका अपनी बात है, उस बात को ज़्यादा उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिए इतना ही है कि आज हमारे लिए एक नया दिन है, इस दिन का शुरुआत हम अच्छे से करना चाहिए। दिल्ली जाने वाले हैं, गृह मंत्री और अमित शाह से भी मुलाकात होगी। अरे तो औपचारिकता है, अगर हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर समय मिलेगा उनसे मिलेंगे तो एक औपचारिकता है, क्योंकि हमारे गठबंधन के नेता हैं और उनसे तो मिलना ही चाहिए हम लोगों को, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जो सरकार हमारी है और हमारी सरकार को कोई हटाने डिगाने नहीं जा रहा है, उनके पास संख्या ही नहीं है, वो तो खुद डर के भागे हुए हैं। उनके विधायक सब इधर आना चाहते हैं तो हैदराबाद घुमा रहे हैं, रिजॉर्ट का कल्चर शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या किनके पास बहुमत है। हमारे पास बहुमत 128 है और उससे कहीं ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बचेगी। अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उनका, वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगी। राज्यसभा में आप लोग किसका समर्थन करेंगे? तो ये सब तो बात अजीब सा बात है, जो एमएनडीए में है तो किसका समर्थन आप चाहते हैं बता दीजिए। आप सम्राट चौधरी ने कहा था कि दो पार्टियों से ही सरकार है, बात करके मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने बोला था। जहाँ तक मेरी बात है, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। और हम लोग के बीच में, हम लोग कल भी मिले हैं उनसे, सबके मिल के सबके सहयोग से सरकार चल रही है। हर व्यक्ति का अपना अपना, हर पार्टी का अपना अपना महत्व होता है और काम करता है, और ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ बात बोली थी जिसकी बात को अब नहीं दोहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो ऑफर मिला था क्या उस पर सोचेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। धन्यवाद।